everyone, welcome back to my channel. हम डिस्कस कर रहे थे कि 2018 में LLM आया और एक तो ओपन एआई ने जीपीटी रिलीज कर दिया था 2018 में, ठीक है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर. और LLM क्या होता है? LLM मींस लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ये यूज होता है हमारा चैट जीपीटी के अंदर भी, ठीक है. और इसका काम मेनली क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल. तो ये लैंग्वेज समझने के लिए, और एक लैंग्वेज ये समझता है जैसे, और उस पे कंटेंट जनरेट करने के काम आता है, ठीक है. मतलब लैंग्वेज रिलेटेड टास्क ये कुछ भी कर सकता है, राइटिंग के टास्क कर सकता है, ठीक है. मतलब बहुत ज़्यादा डेटा पे पहले इसको ट्रेन किया गया है, ट्रेन करने के बाद अब ये ऐसा केपेबल हो चुका है कि आप इससे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो. ये आपको रिप्लाई करता है टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है. और इसका मेनली काम है लैंग्वेज से रिलेटेड, मतलब जितने भी लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स यूज हो रहे हैं, सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं, पैराग्राफ्स यूज हो रहे हैं, या मतलब पूरी लैंग्वेज समझना, ठीक है, और फिर खुद से जनरेट करना. और एक और बात है कि LLM हमेशा फीडबैक पे वर्क करता है, कि जो भी आपने फीडबैक दिया, जैसे आपने उसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, आपने उसे फीडबैक दिया कि मुझे इससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई इसके आंसर से, तो वो क्या करता है, हमेशा अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करता रहता है, ठीक है. फिर आता है 2021 के अंदर. 2021 के अंदर DallE इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है. DallE है इमेज के लिए, इमेज क्रिएट करने के लिए, ठीक है. जैसे आप उसको कोई भी प्रॉम्प्ट दे दो, प्रॉम्प्ट का मतलब है इनपुट, मतलब आपने जैसे कुछ भी उसे बोला कि कोई भी आपने सिनेरियो दे दिया कि जैसे ये क्रिएट करो कि जैसे फॉरेस्ट का सीन है इसमें, मतलब कुछ भी आप उसको एक इनपुट दे रहे हो, उस हिसाब से वो इमेज जनरेट करके आपको देता है, ठीक है. और वो इमेज भी बिल्कुल पर्सनलाइज्ड इमेज होगी, जो आपने इनपुट दिया उसी के अकॉर्डिंग होगी. फिर उसके बाद 2022 के अंदर क्या हुआ था, स्टेबल डिफ्यूजन को ओपन सोर्स कर दिया गया था, ठीक है. और स्टेबल डिफ्यूजन भी इमेज जनरेट करने के लिए ही है, उसका कोड ओपन सोर्स हो गया था 2022 के अंदर, ये भी इमेज के लिए ही है, ठीक है. सेम इनका भी, सबका यही वर्क है कि सबसे पहले आप इनपुट देते हो कोई भी, यानी प्रॉम्प्ट देते हो, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग ये कंटेंट जनरेट करके देते हैं, ठीक है. और 2022 के अंदर नवंबर के अंदर आप लोग को सबको पता है कि चैट जीपीटी भी इंट्रोड्यूस हुआ था. सबसे मेन है ये चैट जीपीटी, ये इंट्रोड्यूस हुआ हमारा नवंबर के अंदर, ठीक है. और फिर अब 2023 के अंदर क्या हुआ है, 2023 के अंदर एक तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंटीग्रेट कर दिया है चैट जीपीटी को बिंग सर्च इंजन से, ठीक है. और साथ में बार्ड भी आ गया है, ठीक है. गूगल ने इंट्रोड्यूस कर दिया बार्ड को, ठीक है. तो ये तो पूरी थी इसकी हिस्ट्री, और मतलब पूरी जनरेटिव एआई की हिस्ट्री थी ये, ठीक है. थैंक यू.